हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने पर सिंगरौली में जश्न मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन व हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और सिंगरौली के बैढ़न मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे ने जश्न के साथ खुशी जाहिर की। दोनों नेताओं ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, वहीं पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग उल्लास और उत्साह से भरे हुए हैं। हरियाणा के जनता का आभार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसमें हरियाणा की जनता ने ऐतिहासिक विजय हासिल करके वहाँ पुनः विकास की गति को बढ़ाया है। हम जैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास करते हैं, इसी ताजु पर हरियाणा ने पुनः जनादेश दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं ऐतिहासिक जीत के लिए। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रामसुमरण गुप्ता जी के निर्देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठन के इस नेतृत्व में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सिंगरौली के यशस्वी विधायक आदरणीय रामनिवास जी भाई साहब हम सबको आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल बैरन का उत्साह वर्धन किए हैं। और आज के इस ऐतिहासिक जीत पर जिस प्रकार से जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखा गया है, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता साधुवाद के पात्र है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।